स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत शुक्रवार को जिला महिला चिकित्सालय के ओपीडी में प्रसूताओं और महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जन जागरूकता कार्यशाला का जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यशाला में सैनिटरी नैपकिन के उपयोग और निस्तारण के उपाय बताए गए। इस अवसर पर डॉक्टर मंजरी टंडन, डॉक्टर नीना त्रिपाठी, डॉक्टर कमलेश, अमरनाथ जायसवाल, अजय कुमार, प्रीति तिवारी, पूजा जायसवाल, रेणु श्रीवास्तव सहित महिला अस्पताल की अन्य स्टाफ और मरीज मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एक महिला ज्योति और जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा, स्वच्छता और स्वास्थ्य इन दोनों का ही बहुत ही गहरा संबंध है। लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे बीच विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करती रहती है। आज इस महिला अस्पताल में हमारा आने का उद्देश्य यही है कि हम अपनी महिलाओं को जागरूक करें और समझाएं कि स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों में कितना गहरा योजना सबसे उपयोगी है, क्योंकि परिवार की भूमि एक महिला ही रहती है कि आपको बहुत अच्छा टारगेट अच्छा होगा, क्योंकि सफाई मतलब हर चीज़ के लिए सही है लड़कियों के लिए, कि अपना आने वाले समय में देख सकती हैं हर कुछ अच्छे से, गंदगी नहीं होगी इधर उधर, हर तरीके से सही रहेगा। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यही अच्छा है, आने वाले समय में और अच्छा हो, ये सब बस इतना ही कहेंगे। ये हमारा जो है ये उसका ही भाग है, जो स्वच्छता पखवाड़ा हमारे द्वारा मनाया जा रहा है देश पूरे देश में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में। इसी के तहत ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हम लोगों ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है, जिससे कि महिलाओं को जागरूक किया जा सके और कि वो सैनिटरी नैपकिन का यूज़ करें, वो प्रयोग करें कंपलसरी रूप से, और उस इस तरह से वो सफाई रख से रखें और इन्फेक्शन से बचें, जिससे कि संक्रमण होता है वो उससे बचें। और उसके बाद ये भी बताएगा कि सभी सैनिटरी नैपकिन को यूज़ करने के बाद किस प्रकार उसका निस्तारण किया जाए, जिससे कि और किसी को न संक्रमण फैले, ये सब बताया जा रहा है। इस तरह का इस्तेमाल न करने से इन लोगों को सेक्सुअली ट्रैक्ट में बीमारियां हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, लिकोरिया वगैरह के बारे में सुना होगा आपने, लिकोरिया वगैरह की बीमारियां हो जाती हैं और भी कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं महिलाओं में, और जो जिसका असर गर्भ पे और महिलाओं को भी के सेहत पे ही पड़ता है, गर्भ पे ही पड़ता है, आने वाले बच्चे पे भी पड़ता है, इस तरह की बीमारियाँ होने की संभावना पूरी रहती है।